हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे खास देश की सैर पर जो कि बसा है 1700 से ज्यादा द्वीपों पर। जी हाँ, ये द्वीप देश भी कहा जाता है। ये देश लोगों की टॉप 10 विजिटिंग लिस्ट में शुमार है। यहाँ का एक डेस्टिनेशन तो इतना ज्यादा फेमस है कि यहाँ जाने के लिए हर एक न्यूली वेडिंग कपल काफी एक्साइटेड होता है। इस जगह में बहुत सारी खास बातें हैं, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने एक सफर की जो कि जा रहा है इंडोनेशिया की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, इंडोनेशिया एक द्वीप देश भी कहा जाता है। यहाँ 17,508 द्वीप हैं दोस्तों। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैला इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है और मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी इसी देश में रहती है। ये पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है दोस्तों। ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ आपको हर धर्म हर बोली मिलेगी, जिसमें 300 से अधिक स्थानीय भाषाओं का यूज होता है। इंडोनेशिया में ग्रामीण शिकारी और खानाबदोश से लेकर आधुनिक शहरी लोग भी आपको मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर सब कुछ है आपके लिए। दोस्तों, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के अनुसार इंडोनेशिया भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के प्रति काफी संवेदनशील है। 2004 में समुद्र में आए भीषण भूकंप ने पूरे दक्षिण और पूर्वी एशिया के तटीय इलाकों को तबाह कर दिया था। हिंद महासागर में आई सुनामी में लगभग 2,20,000 इंडोनेशियाई लोग मारे गए या लापता हो गए। इंडोनेशिया नाम लैटिन शब्द इंडस और ग्रीक शब्द नेसोस द्वीप से लिया गया है। दरअसल इंडोनेशिया को इंडियन आइलैंड्स या ईस्ट इंडीज आइलैंड कहा जाता है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में 14,000 से अधिक द्वीप हैं दोस्तों, और अनुमानित जनसंख्या लगभग 25.5 मिलियन से अधिक है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या है दोस्तों। इंडोनेशिया इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का मेंबर भी है। देश में उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या है, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन है, राजनीतिक स्थिरता है और यहाँ पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़े द्वीप समूह वाला देश है, जिसमें 17,508 द्वीप हैं, जिसमें से लगभग 6,000 द्वीपों पर लोग रहते हैं। दोस्तों, 255 मिलियन की आबादी के साथ इंडोनेशिया चीन, भारत और अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। 14 मिलियन की आबादी के साथ जावा द्वीप दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी है और यहाँ पर है बाली, जहाँ पर न्यूली कपल जाते हैं। इंडोनेशिया की यात्रा करने का पहला यूरोपीय यात्री मार्को पोलो था। जी हाँ, मार्को पोलो ने इंडोनेशिया की सबसे पहले यात्रा की और मार्को ने 1292 में इंडोनेशिया की यात्रा की थी। सोचिए कितने साल पहले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 से 1945 तक जापानियों ने इंडोनेशिया पर अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया। वैसे दोस्तों, वनस्पतियों की और जीवों की विविधता के कारण इंडोनेशिया ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा जैव विविधता वाला देश है, यानी कि आपको यहाँ वैरायटी मिलेगी। दुनिया के 10 सबसे बड़े द्वीपों में से 3 बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी और सुमात्रा इंडोनेशिया का हिस्सा है। इंडोनेशिया द्वीप पश्चिम प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर तक फैला हुआ है। इस देश में 400 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी है दोस्तों, यानी कि बहुत कुछ देखने के लिए है। दोस्तों, वैसे तो इस देश में 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। सुनकर आश्चर्य होगा आपको, लेकिन बहासा इंडोनेशिया की मुख्य भाषा है। आपको जानकर हैरानी होगी, हालांकि यहाँ के लोग तो पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में रहने वाले लोग काफी अच्छे होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सेक्स के बारे में खुलकर बात नहीं करते। यहाँ के रहने वाले पुरुष या महिला कोई भी हो, वो सेक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहेगा। सेक्स को बहुत ही पर्सनल माना जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में किस को सीएम कहा जाता है, यानी अगर वहाँ आप किसी को किस करना चाहते हैं तो उसे किस नहीं बल्कि सीएम कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों आपको इंडोनेशिया में सभी धर्मों को मानने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन 87% से ज्यादा यहाँ मुस्लिम लोग हैं और ये आंकड़ा इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी बनाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये देश बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे द्वीपों से घिरा हुआ है, तो चलिए कुछ खास जगहों पर हम भी आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, ये भी जगह घूमने के लिए परफेक्ट है। ये शहर भीड़ भाड़ और व्यस्त है और ये इंडोनेशिया के कई अन्य क्षेत्रों के विपरीत है। यहाँ पर आपको तलाशने पर भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि ये
जगह बहुत ही भागती दौड़ती है और बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल शेयर करती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको पब्स, बार, म्यूजियम्स बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसी जगह पर यहाँ का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो टूरिस्ट अपना ट्रेवल यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बात इंडोनेशिया में घूमने की आती है तो सबसे पहला नाम आता है बाली का। जी हाँ, बाली इंडोनेशिया में सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय स्थान, इसलिए यह आपकी यात्रा में सबसे पहले शुमार होगा। बाली अक्सर पर्यटकों के साथ अपने आप को शेयर करता है और अपनी खूबसूरती को शेयर करता है। यहाँ आने वाला हर एक शख्स इस जगह में रम जाता है, इसे भूलना नहीं चाहता। बाली में सबसे अच्छे समुद्र तट है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जो आपका मन मोह लेंगे। ये वो जगह है जहाँ पर आप अपनी जिंदगी के हर वो समय को भूल जाएंगे जब आप उदास हुआ करते थे, या फिर आप अपनी जिंदगी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को हटाकर कुछ पॉजिटिव सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये जगह बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है, ड्राइविंग, सर्फिंग, और यहाँ पर आप बहुत सारी कुजीन का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ आप मंदिर और कला दोनों के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप नाइट लाइफ के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि रात कहाँ गुजर जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, ये है माउंट ब्रोमो। पूर्वी जावा में स्थित माउंट ब्रोमो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो 7641 फीट ऊंचा है। ये चैगर मासिव की सबसे प्रसिद्ध चोटी है और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान भी। चूंकि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए आपको संभवतः गड्ढे के अंदर से आने वाले सफेद धूम्रपान को बिल करते हुए देखा जाएगा। यहाँ ज्वालामुखी के शीर्ष को उड़ा दिया गया है, यदि संभव हो तो एक अद्भुत सूर्योदय देखने के लिए यहाँ पर जरूर आए। दोस्तों, ये है तुंजुंग पुनचिंग नेशनल पार्क। तुंजुंग पुनचिंग नेशनल पार्क अपने वन मानुषों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। ये इंडोनेशिया में पर्यावरण पर्यटन के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। इको टूरिज्म उद्योग यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित है। पर्यावरण की खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो यहाँ जरूर आइएगा। दोस्तों, ये है टोबा झील। इंडोनेशिया के प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए टोबा झील पर जाए। ये झील सुमात्रा द्वीप पर स्थित है और ये लगभग 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। वास्तव में ये दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है। न केवल यहाँ का दृश्य खूबसूरत होता है, बल्कि पानी भी सुखदायक और गर्म गर्म होता है। यहाँ पर अपना ही मजा है दोस्तों, और कुछ हटकर अगर करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइए। यहाँ बहुत ही सुकून है और भागदौड़ भरी जिंदगी से आपको थोड़ा सुकून मिलेगा यहाँ पर। आई होप दोस्तों, इंडोनेशिया का ये सफर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।